हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अनिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एबी फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बोया के BY M1 माइक्रोफोन का, जो काफ़ी अच्छे रिव्यूज बहुत सारे टेक गुरुज ने इसके दिए हैं। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही इसके बारे में जानेंगे और इसकी जो वॉइस क्वालिटी है उसको भी आपको चेक करके बताएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा बोया BY M1 माइक्रोफोन। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। उससे पहले देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं जो इसके बैक साइड पे लिखे हुए हैं। जो इसके फीचर्स देखिए, क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन्स, DSLR, कैमकॉर्डर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC एटसेट्रा। तो इन सारी चीज़ों पर ये जो है सपोर्ट करता है। ओमनी डायरेक्शनल कॉन्डेंसर माइक्रोफोन, हाई क्वालिटी कॉन्डेंसर इज आइडियल फॉर वीडियो यूज, लो हैंडलिंग नॉइज, इंक्लूड्स लेवल क्लिप, LR44 बैटरी, फोम विंडस्क्रीन, 1x4 एडाप्टर। तो अब देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रेट कॉन्डेंसर, पोलर पैटर्न, ओमनी डायरेक्शनल, फ्रिक्वेंसी रेंज 65 Hz टू 18 kHz, सिग्नल नॉइज 74 dB स्पेशल, सेंसिटिविटी -30 dB ±3 dB by 0 dB equal to 1V/PA 1 kHz, आउटपुट इम्पेडेंस 1000 OHM और लेस, और भी कुछ। तो ठीक है दोस्तों, ये हैं इसके जो कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स। तो अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने पर ये ऐसे एक लेदर पैकेट में इसके जो हैं पार्ट्स इसके अंदर हैं, और इसके साथ ही हमको मिलता है एक यूज़र मैनुअल। ये देखिए, इसमें आपको इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो आइए देखते हैं। तो इस लेदर पैकेट के अंदर हमको मिलता है ये जो हमारा डिवाइस है। ये देखिए, ये वायर जो है इसका काफ़ी लंबा है दोस्तों, 20 फीट के वायर है, जो कि बहुत ही सफिशियंट है। बट इसकी एक दिक्कत है कि आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो ये उलझ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वायर है। ठीक है, और देखते हैं इसके साथ क्या क्या एसेसरीज हैं। ये देखिए, एक कनेक्टर है, और इसके अलावा ये फोम और ये क्लिप। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहाँ पे लगाना है, इस फोम को, ताकि ये जो है अनवांटेड नॉइज को जो है इसको फिल्टर कर सके। ठीक, और ये जो है हमारा यहाँ माइक्रोफोन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है इसके अंदर, इसको हम ऐसे ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर बैटरी है, जो बैटरी काफ़ी दिनों तक चलती है। बाकी जो टेक गुरुज हैं उन्होंने भी बताया है कि ये एक बैटरी ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने आराम से चलेगी, अगर आप रोज़ एक वीडियो बनाते हैं इसके बावजूद भी। ठीक है, तो इसके अलावा है इसका ये कनेक्टर है एक एक्सटर्नल, इसको हम इसमें ऐसे इंसर्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं इसको किसी और कैमरास वगैरह में इंसर्ट करने के लिए। और अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये 3.5 mm का पिन है, इससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये छोटा सा हमारा डिवाइस है। बट इसका जो क्लिप है, ये इसको आप यहाँ पे अटैच करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब टेस्ट करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। तो दोस्तों, ये माइक यहाँ पे क्लिप को मैंने लगा दिया है, तो इसको यहाँ, तो दोस्तों ये जो अभी आप वॉइस सुन रहे हैं ये इस माइक्रोफोन के द्वारा रिकॉर्ड हो रही है। इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है मेरे सैमसंग के फ़ोन से। जी दोस्तों, मैं जो वीडियोस हैं वो फ़ोन से ही बनाता हूँ, मेरे पास DSLR है नहीं, तो
आप देख सकते हैं कि फ़ोन में भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और इसकी जो क्वालिटी है वो बिना इसके जो वॉइस आ रही थी उससे तो अभी तो काफ़ी बेटर है। तो आशा है कि ये जो माइक्रोफोन है ये आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का, जिसमें मैंने आपको बोया BY M1 के बारे में बताया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।